अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे लोटस फ्लावर यानी कि कमल का फूल। तो चलिए हम आपको इसका ट्यूटोरियल बताते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। और ये सब चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट को बताती हूँ, जो उन्हें समझ में नहीं आता उसकी वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ब्राइट पर्पल एंड मजेंटा कलर, साथ में वाइट कलर, तीन कलर का यूज़ किया है। बीच के लिए हमने लिया है लेमन येलो, जो कि हमने पहले ही आपको दिखा दिया था। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्राइट पर्पल जो हमारा है उसको, जो पंखुड़ी है उसमें फिल करना है। इस तरह से फिल कर लें फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से, क्योंकि ये लाइट कलर है। और इसको पूरा ऊपर तक फिल करेंगे और यहाँ नीचे अंदर पार्ट में, यानी कि जो अंदर का हिस्सा रहेगा उसमें हम लगाएंगे मजेंटा कलर। इस तरह से उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे कलर में, तो ताकि हमारा जो कलर है नीचे वो अच्छे से मिक्स होकर अच्छा सा बन जाए। और इस तरह से देखिए, हमें ऊपर से वाइट कलर लगाते हुए अपनी पंखुड़ी का शेप देना है। बहुत ही सफाई से करें फ्रेंड्स ये चीज़, अगर आप बनाते हैं तो, अगर आपकी सफाई आती है तो ये बहुत ही प्यारा दिखता है। तो सफाई से बनाएं, अच्छे से बनाएं। इसके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ कि जिनको समझ में नहीं आता है वीडियोस में, वो इस तरह से देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं, जो भी हमारी बाहर साइड की जितनी भी पंखुड़ियाँ, पहले हम उसे तैयार करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, और इस तरह से तैयार करने के बाद एक ही पंखुड़ी तैयार करने के बाद बहुत ही हिसाब से वाइट कलर लें और लगाएं। और देखिए नीचे ऊपर का जो हमारा सेट नहीं दिख रहा था उसको हमने वाइट कलर लगा के उसको अच्छे से एक बार और कर दिया, तो जो सेट नीचे की जो पंखुड़ी है वो बैक साइड दिख रही है। और यहाँ पर डार्क शर्ट थोड़ा सा लगा देंगे ताकि ये डार्क हो जाए, लिप थोड़े वाइट ज़्यादा लग गया तो हमारी लिप जो है वो हल्की दिख रही थी। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक पंखुड़ी जो है हम करेंगे। इस तरह से एक एक पंखुड़ी हमको करना है फ्रेंड्स। आप ब्राइट पर्पल जब भी लगाएं उसके बाद अगर मजेंटा कलर लगाते हैं तो ब्रश को वॉश कर लें, क्योंकि मजेंटा कलर के बाद आप वाइट लेंगे तो आपका जो शेड है वो अच्छा नहीं आएगा, बहुत हल्का और धुंधला सा आएगा। ठीक है, तो आप इन सब बातों का ध्यान दें, जब भी ये कलर यूज़ करें अपने ब्रश को डार्क शेड के बाद वॉश कर लें ताकि आपका ब्रश साफ़ हो जाए और जो आप शेड लगाएँ वो क्लियर और अच्छा आए। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी कैसे क्या करना है। अगर आप थोड़ी सी वीडियो में स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कहीं कहीं जो बातें बताई जाती हैं वो आप नहीं देख पाएंगे और आपको प्रिंटिंग भी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखिए। और यहाँ पे आपको आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमने ये कितने नंबर का ब्रश लिया है, तो फ्रेंड मैं बता दूँ ये 2 नंबर का ब्रश है जिसे मैं हमेशा पेंटिंग करती हूँ ये वही ब्रश है। और 2 नंबर से ज़्यादातर मैं करती हूँ। और इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं फ्लावर की बहुत ही छोटी छोटी मैंने बनाई हैं, इसके लिए मैं 2 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर यही हम बड़ी पंखुड़ियाँ बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर का ब्रश लेंगे, यानी कि चौड़ा ब्रश लेंगे। छोटी पंखुड़ियों के लिए हमें पतला और छोटा ब्रश चाहिए होता है, जैसे कि उसकी साइज़ कम हो ब्रश की और उसे अच्छे से कलर हमारे जो है फिल हो सके, ब्लेंड हो सके अच्छे से। इस तरह से हमें ब्रश लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर पंखुड़ी को स्टेप बाई स्टेप किया हुआ है और आपके साथ शेयर किया हूँ ताकि आपको सारी डिटेल्स स्टेप बाई स्टेप मिले, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पंखुड़ी हमारी बन रही है। और यहाँ पे मजेंटा कलर नीचे से हमें अगर लाइट लगता है आपका शेड, तो इस तरह से मजेंटा कलर का शेड जो है और दे दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरह से जहाँ जहाँ पे आपका शेड जो है लाइट अगर दिखे तो वहाँ पे अलग से शेड मजेंटा कलर का दे सकते हैं।
पूरा फुल फ्लावर बनने के बाद ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा फ्लावर है और इसको आप अगर करना जान जाएंगे तो किसी भी चीज़ पे करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और मेरे चैनल पे लोटस फ्लावर पहली बार है शायद पेंटिंग में, मैंने अब तक नहीं किया था, तो कल मैंने उन लोगों को बताया तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी देख के सीख पाएँ। एक बात का हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो भी हमारी बैक साइड की पंखुड़ियाँ हैं उनको पहले कर लें ताकि फ्लावर बनाने में आपको और इजी हो जाए, और इस तरह से बनाने के बाद हमारे फ्लावर में जो है फिनिशिंग सही आती है, क्योंकि हमें उसको हिसाब से बनाने के लिए समझ में आता है किस तरह से हम बनाएं कि हमारी जो डिज़ाइन है वो अच्छी दिखे, फिनिशिंग दिखे उसमें। तो इसी तरह से एक एक पंखुड़ी आप बाहरी हिस्से वाली बना लें, उसके बाद अंडर पार्ट की सारी पंखुड़ी बनाएं। आप पूरी वीडियोस देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने कैसे कैसे कब कौन सी पंखुड़ी की है, तो ये सब आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा। और अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें और जो भी बताया जाता है उसे प्रैक्टिस किया करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप पेंटिंग सीख जाएंगे। और जिन लोगों को मैं सिखा रही हूँ माशाल्लाह, उनको एक बार बताती हूँ एक दिन में, दूसरे दिन उनको आ जाती है। और कोई ऐसी डिज़ाइन जो उन्हें मुश्किल लगती है कि उनको 2 से 3 दिन लग जाता है, नहीं तो फिर वो एक दिन में ही डिज़ाइन जो है बना लेते हैं। एक दिन में मुझे बनाने में उनको डिज़ाइन कैसे बनाना है वो बताती हूँ, और वो खुद डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद उसकी पेंटिंग करके जो थोड़ा बहुत करके दिखाते हैं, और वो बाकी रह जाता है वो घर पे करके अपना दूसरे दिन दिखाते हैं। और वो मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने की, माशाल्लाह से सीख भी जाएंगे। और काफ़ी अच्छी पेंटिंग के अंदर बहुत सुधार आया, कहाँ कुछ नहीं बनाते थे, कहाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे जो है वो फ्लावर वगैरह बना रहे हैं सब। देख सकते हैं सारी जो है बाहर की पंखुड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब ये हमारी बीच की 5 पंखुड़ी बाकी है और नीचे की पीछे की तरफ जो एक पंखुड़ी वो बाकी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अंदर वाली जो 5 पंखुड़ियाँ उन्हें बनाएंगे। देखिए शेड पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे मैं लाइट शेड दे रही हूँ और कहाँ पे डार्क शेड दे रही हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ पे डार्क शेड कितने दूर देना है और कहाँ पे लाइट शेड देना है। तो आप ब्रश पे ध्यान दीजिएगा, ब्रश पे देखिएगा कि हम ब्रश को कैसे लगा रहे हैं, कलर को कैसे ले रहे हैं और कैसे फील कर रहे हैं उसको, कैसे उसको डिज़ाइन का जो शेप है उसको कैसे दे रहे हैं। ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे तो आप बहुत जल्द पेंटिंग सीख जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है कि हम ब्रश को कैसे चलाते हैं। अगर आपको ब्रश चलाने आ गया तो आप माशाल्लाह से पेंटिंग आराम से कर लेंगे। यहाँ तक पूरा नीचे तक वाइट कलर में यहाँ तक ला के करना है, पूरे डंठल के पास जो पंखुड़ी हमारी लटकी हुई है फोल्ड हुई है पीछे की तरफ उसके पास तक ला के मिलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने आपको बना के दिखाया है। इंशाल्लाह आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी जो है फ्लावर पूरा बनाना समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाना है, और आपको शायद इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी पेंटिंग भी समझ में आ जाएगी कैसे करना है। और अगर इसकी ड्राइंग की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, sidra.26 पर सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा दूसरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर सर्च करके इसका जो है
उसका क्या बोलते हैं दूसरे चैनल पे इसकी जो है स्केचिंग देख सकते हैं, जो मैंने इसका स्केच बनाया है और ड्राइंग इसकी देख सकते हैं। तो sidra.26 को भी सब्सक्राइब करें, उस पर मेरी सारी वीडियोस रहती है। और आज की वीडियो मैं अपने साले पेंटिंग पे अपलोड कर रही हूँ। और डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दूसरे चैनल के लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बल्कि इसकी ड्राइंग की लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ड्राइंग और जो है दोनों देख पाए। लेकिन ड्राइंग अभी नहीं मिल पाएगी, बाद में अगर देखेंगे तभी मिल पाएगी, क्योंकि ड्राइंग मैंने अभी अपलोड नहीं की है। सबसे पहले मैं यही वीडियोस अपलोड कर रही हूँ जो पेंटिंग कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको जो है वो डिज़ाइन मिल जाएगी, उसको भी मैं अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फ्लावर है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा खूबसूरत सा दिख रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारे जो ये पंखुड़ी है जो पीछे की तरफ फोल्ड हुई है, इसको हमें उल्टे शेड में बनाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे पर्पल कलर फिल कर लिया तो हमें नीचे से डार्क शेड लगाना है। देखिए हमने उल्टा लगा दिया है, यहाँ पर आप डार्क शेड जो है नीचे लगाएँ और वाइट शेड ऊपर से लगाएँ। अभी मैं वाइट शेड का देके उसको अच्छे से बना दूँगी, उसका शेप दे दूँगी। लेकिन आप जब भी लगाएं वाइट कलर इस तरफ लगाएं अंदर पार्ट में और डार्क शेड बाहर तरफ लगाएं। ये देख सकते हैं इस तरह से हमें कलर लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह से कलर को हमें लगाना है अंदर साइड हमारा जो है। सारी पंखुड़ी हमारी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये बाहरी हिस्से में हमें लगाना है ब्राइट पर्पल कलर, और साथ ही हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा मजेंटा कलर, डार्क शेड दे देंगे इस तरह से ऊपर से। और हमारी सारी पंखुड़ी जो है तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। और अब हम बीच वाला पार्ट बनाएंगे। बीच वाले पार्ट के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लेमन येलो लेना है और उसी से जो शेप बना है उसको ब्लेंड करके उसको बना देना है। बहुत ही ईजी है बनाना इसे, ताकि मैं बना के दिखा भी देती हूँ आपको, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। और ये बहुत संभाल के बनाना है। अगर आप इसको जो नीचे के हमने जो भी 6-7 पंखुड़ी की है उसे पहले कर लेंगे तो इसमें जैसे आप मुझे बचाना पड़ रहा है तो ये बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ऊपर से आप सिर्फ देखिए अंदर कलर को अच्छे से फिल कर सकते हैं, उसके बाद जब ये करेंगे तो आपका जो कलर है वो अच्छा सा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेमन येलो लग चुका है और हमारा फ्लावर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम बनाएँगे इसकी लीफ। तो चलिए पहले यहाँ पे लेमन येलो का शेड जो है थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हमारा लेमन येलो का शेड हो चुका है। अब चलिए हम नीचे चलते हैं अपने डंठल की तरफ और डंठल और लीफ बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है लाइट ग्रीन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम इस तरह से जो हमारा सेब रहेगा उसको दे लेंगे हम डंठल का। और उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से शेड देना है, थोड़ा बचा के देना फिर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ हमें पहले बनानी चाहिए थी वो हमने नहीं बनाई। डंठल वगैरह जो हमें पहले बना लेनी चाहिए ताकि हमें दूसरा कलर लगाने में आसानी हो जाए। पूरा लुक ज़रूर दिखेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लावर काफ़ी अच्छा बनने वाला है और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। तो चलिए यहाँ पे पहले हमने लीफ को पूरी फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें अपने लीफ का जो है शेप दे के इस तरह से इसको ब्लेंड कर लेना, अच्छे से उसको पूरा फिल कर लेना है। फिल करके ब्रश को अच्छे से ब्लेंड करके उसको चलाएँ ताकि जो हमारा कलर है एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल कपड़े पे घुल मिल जाए। और इस तरह से लेमन येलो लेना है, इसको थोड़े थोड़े दूर पे इसको लगा के ब्लेंड करना है। इससे हमारा कलर जो है और लाइट हो जाएगा और इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसमें और शेड देना बाकी, इसमें रेशे वगैरह जो है उसमें बनाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसको पहले हम कलर लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और जहाँ पे हमारे डंठल है वहाँ पे छोड़ते हुए हम अपने कलर को ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा डंठल में इस तरह से कलर लगा के उसमें हमें क्या है उसको थोड़ा दिखाना है,
यहाँ पर डेंटल हमारी पता चलनी चाहिए कि यहाँ से हमारी डेंटल गई हुई है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा ब्लू लगा रही हूँ, बिल्कुल जब जो भी डेंटल बनाई थी उसके हाफ पार्ट में थोड़ा थोड़ा मैं ब्लू लगा रही हूँ, और उसके साइड में यहाँ पे देखिए वाइट लगा रही हूँ। इसमें आप थोड़ा सा लाइट ग्रीन मिक्स कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आपका शर्ट अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डेंटल जो है तैयार हो चुकी है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं और यहाँ ऊपर साइड भी हम थोड़ा सा यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पे वाइट लेंगे और इसे बहुत पतली पतली जगह रहती है तो बनाने में थोड़ी परेशानी होती है फ्रेंड्स, तो नहीं बन पाता। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारा कलर जो है चढ़ गया था, हमने वाइट कलर लगा के उसको सही कर दिया है पंखुड़ी को। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बारीक वाले रेशे। तो फ्रेंड्स जब भी रेशे बनाएं आप पिन ब्रश से बनाएं, जो भी राउंड ब्रश होता है हमारा एक नंबर का जीरो नंबर का उससे बनाएं, ताकि आप इस तरीके से उसको बना सकें आराम से। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लैट ब्रश का ही यूज़ कर लिया है क्योंकि मुझे इजी लग रहा है बनाने में, तो मैं बना ले रही हूँ, लेकिन आपको शायद फ्लैट ब्रश से बनाने में उतनी आसानी ना हो तो आप जो है राउंड ब्रश का ही यूज़ करें। यहाँ पे हमारी लीफ तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, अब बनाने वाले हैं हम दूसरी लीफ। तो जिस तरह से हमने इस लीफ को बनाया उसी तरह से सेम आप बनाइएगा, क्योंकि मैंने इसमें समझाने के लिए थोड़ा सा दूसरा तरीका यूज़ कर लिया है, आपको बता रही हूँ किस तरह से। तो इसको मैं समझाने के लिए सिर्फ जहाँ पे है ब्लू शेड रहेगा, मैंने वहाँ डार्क शेड रहेगा वहाँ पे ब्लू पहले लगा दिया है। तो आप पहले लेमन येलो के साथ जैसे मैंने इस लिप को बनाया है उसी तरह से इस लिप को बना लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो जो हम लिप बना रहे हैं वो नीचे है, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल साइड में डार्क शेड दे दिया ताकि जो हमारी लिप है वो पता चले कि वो नीचे है और दूसरी वाली ऊपर है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ब्लू शेड दिया है। ठीक है, तो ये जब आप लेमन येलो लगा लेंगे उसके बाद भी लगाएंगे तो भी ये चीज़ ऐसे ही दिखेगी। तो मैंने पहले ही शेड दे दिया आपको बताने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और पहले ही लगा लेंगे तो आपका जो शेड रहेगा लीफ का बिल्कुल इस तरह आएगा जिस तरह हमने पहले लीफ बनाई थी, और मेरी तरह बनाएंगे जिस समय बना ली बाद में तो आपका शेड जो है डार्क आएगा। तो आप लाइट शेड बनाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से सब हमें बना लेना है। और यहाँ पे लीफ हमारी थोड़ी पतली थी तो इसको हमारी जो ये लीफ है थोड़े गुलाई में होती है, ज़्यादा पतली लंबी नहीं होती है, ये गुलाई में होती है, बस थोड़ी सी कटिंग होती है साइड साइड में। तो इस तरह से देखिए बनाएंगे, जो भी स्टेप रहेगा उसको दे लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ जो है हमारी बन चुकी है फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे इसकी जो है कली, जो कि हाफ देख सकते हैं आप किस तरह से मुड़ी हुई है, उसको हम बनाएंगे। और चलिए दिखाते हैं इसको भी करके किस तरह से करना है। देखिए सब बस वही स्टेप है जो हमने लोटस बनाने में दिखाया था, बस वही स्टेप है सेम। पहले रॉयल पर्पल लगाना है और दूसरी पंखुड़ी के पास में जो है डार्क शेड देना है, और ऊपर से यहाँ पे देखिए ये वाइट कलर लगाना है। और ये बहुत जल्द, जैसे मैं जिसको भी सिखाती हूँ जो भी बनाने की कोशिश करते हैं ये चीज़ नहीं बना पाते हैं, तो वो ये चीज़ पे ध्यान दें जो कलर हम लगाते हैं उस पर जब वाइट कलर लगाएं तो उसको अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड करना है ताकि दोनों कलर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो के आए। और किनारे पे बहुत लाइट लाइट दिख रहा होगा आपको मेरा वाइट शेड, तो इस तरह से दिखना चाहिए, ये नहीं कि हाँ अलग से आउटलाइनिंग कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद अपने आप बनने लगेगा, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जब भी करना हो आपको समझ में ना आए तो आप मेरी वीडियो को चालू कर लें, उसके बाद देख करके उसको बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द बना लेंगे। देख सकते हैं तीन पकौड़ी हमारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और मैं ऑनलाइन क्लास करवाती हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना है अपने वीडियो में नंबर दे रखा है उस पर कॉन्टेक्ट ज़रूर करें, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज आप देख रहे हैं कि मैंने लोटस फ्लावर आपको करके दिखाया है,
और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंप्लीट डिज़ाइन तैयार है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।